मजेदार। ये जी अब मस्त से खाना खाते हैं। हेलो जी, मेरा नाम है ऋतिक नेगी, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में देवभूमि उत्तराखंड के इन खूबसूरत पहाड़ों से, मेरे गांव से। और अगर आप लोगों को पता नहीं है तो मेरे गांव का नाम हुआ रांसी, जो कि उत्तराखंड राज्य के रुद्रप्रयाग डिस्ट्रिक्ट में बसा हुआ एक खूबसूरत सा गाँव है। अभी दोपहर का टाइम हो गया है, मतलब दोपहर का खाना बनाने की भी तैयारी हो गई है। और आज हम लोग बनाने वाले हैं हरा साग। पहाड़ों में जो कद्दू के पत्ते होते हैं उनका भी बहुत टेस्टी साग बनता है, और आज वही चीज हम लोग बनाने वाले हैं। बाकी निकलते हैं और ये चीज बनाते हैं और साथ ही साथ आपके साथ भी शेयर करते हैं। यहाँ पर देखे भाई, यहाँ पर ना कद्दू की बेल है, जहाँ पर से कि हम लोगों ने जो ये पत्ते हैं वो ले जाने हैं। और ये देखे भाई, यहाँ पर दाइलों की गौशाला है ना, तो इसके ऊपर देखो ये टहनी डाली हुई है ताकि जो कद्दू की बेल है वो पूरी टहनी में जाए। और यहाँ पर देखे भाई, कद्दू की बेल पे ना कितने सारे फुलार लगे हुए हैं। ज़्यादातर जो ये साग होता है ये आजकल मानसूनों के टाइम पे होता है। और यहाँ पे देखे भाई, इतने सारी ये पत्ते ला गई है रूबी, जो हमने यहाँ पर से निकाले हैं इस कद्दू की बेल से। बाकी अब इसका साग बनाना है, ले चलो भाई। देखो भाई, माँ की तैयारी हुई है गाय को पानी देने की, तो माँ वहाँ जा रही है। बाकी हम दोनों की तैयारी है यहाँ पर दिन के खाना बनाने की, चलो। अरे यहाँ पर देखो, मस्त ये अपनी ककड़ी भी और किया हुआ। के बाद का जरूरी काम है भाई, जो ये पत्ते लाए हम लोग, इनको धोना है अच्छे ढंग से। तो चलिए जी, अब ये अच्छे ढंग से धुल गया है और इसको भी अंदर पे ले चलते हैं। बाकी यहाँ पे देखो, रूबी भी लगी हुई है आग जलाने पे, तब तक मैंने ये धुल दिया है। तो चलिए जी, अभी देखो मस्त से रूबी ने यहाँ पर आग भी जला दी है, और अब इसके बाद का मेन काम होता है भाई, जो ये पत्ते है ना इनको काटने का काम। आग जलने के बाद भैया टाइम आता है भाई इनको काटने का, इनको बारीकी से काटना है। और सबसे पहले काम होता है भाई जो इसके ऊपर से ये निकालना। अब इन पे ना बारीक बारीक कांटे रहते हैं, वैसे आजकल उतना ज़्यादा हार्ड नहीं रहते हैं ये, बट थोड़ा थोड़ा रहते हैं, तो ये निकालना ज़रूरी रहता है। ये देखो ऊपर से, तभी ना ज़्यादा सॉफ्ट होते हैं। फिर इन पत्तों से ना कुछ ऐसा निकलता है, इसको निकालना ज़रूरी रहता है। ये देखिए यहाँ पे, फिर उसके बाद ये देखिए जो ये ऊपर का है ना, काफ़ी सॉफ्ट हो जाता है। स्टार्टिंग में पूरे जितने भी पत्ते हैं सारे पत्तों में से यही चीज़ निकालनी है। तो चलिए जी, अभी हम दोनों ने उस पर से सारे रेसे निकाल दिए हैं, और वो इस वाली ये टोकरी में है। बाकी ये ना बाद में गाय को देने का काम आ जाता है। बाकी अब बारी है भाई इसको बारीकी से काटने की। अब ये काटना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि उसके बाद ना वो बॉयल काफ़ी अच्छे ढंग से हो जाएंगे। जितने बारीक रहेंगे तो फिर बॉयल भी काफ़ी जल्दी हो जाते हैं वो। तो चलिए जी, देखो भाई इतना बारीक रूबी ने ये कर दिया है काट काट करके। ये बारीक काटना है भाई, ताकि बाद में ना हम पानी में इसको बॉयल करें ना, फिर ईजिली ये अच्छे ढंग से बॉयल हो जाए। ये देखिए ऐसे कुछ इसके पकड़ने की स्टाइल रहती है, और ऐसे करके इसको काटना पड़ता है। ले जी, लगभग ये काम भी कंप्लीट हो गया है काटने का, बस एक दो बारी काटना है उसके बाद हो गया। फिर इसके बाद इसको बॉयल करते हैं। लास्ट ये है, ये देखो आप, इतना बारीक करना है इसको। तो चलो, ये काटने का काम भी हुआ। और देखो भाई, आग तो हमारी पहले की जली हुई थी, बाकी अब यहाँ पर जो कढ़ाई है उसको रख देते हैं। देखिए मस्त से अपनी कढ़ाई भी गर्म हो गई है, अब इसमें डालते हैं तेल। ये देखिए, ये सारे हैं अपने घर के मसाले, और यहाँ पे रूबी ने ना पुदीना भी ला रखा है। जितने भी मसाले हैं नमक को छोड़ करके लगभग घर ही के हैं। देखिए भाई, पहाड़ों में एक चीज है कि लगभग जितने घर के मसाले होते हैं वो घर ही में होते हैं, हल्दी से लेकर फिर मिर्च हो गया, फिर उसके बाद धनिया पाउडर हो गया, ये सब चीज लोग घर ही में बनाते हैं। और क्योंकि घर में ये चीजें हो जाती है ना, तो इसलिए ये चीज घर ही में ज्यादातर बनती हैं। हम लोग सिर्फ मार्केट से नमक लेके आते हैं, बाकी और चीज तो घर ही में रहता है। अब देखो यहाँ पे मस्त अपना जो तेल है वो गर्म हो रहा है। और देखिए भाई, बिना सरसों के तड़के के तो पहाड़ों में स्वाद भी नहीं आता है भाई ऐसे सागों पे। अब जो ये स्पेशल से साग होते हैं, हरा साग हो गया, कंडाली का साग हो गया, उसमें तो सरसों का तड़का मारना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि सरसों का तड़का ही ऐसी हमें चार चांद लगाता है भाई स्वाद पे। तड़के के बाद ना इसमें थोड़ा बहुत लहसुन भी डाल देते हैं। ये देखो, और ये देखिए जी, बारी है अब हरा साग डालने की, हरी सब्जियां डालने की।
देखिए भाई, स्टार्टिंग में ना यहाँ पर खाली नमक डालना पड़ता है ताकि वो अच्छे ढंग से बॉयल हो जाए, जो ये कद्दू की पत्तियाँ हैं ना वो अच्छे ढंग से गल जाए, तो इसलिए नमक डालना ज़रूरी रहता है। लो भाई, और इसके बाद डालना इसमें थोड़ा सा पानी ताकि वो पानी और नमक के साथ अच्छे ढंग से गल जाए। जब तक ये अच्छे ढंग से बॉयल होता है तब तक इसमें डालते हैं भाई ऐसा थाली, इस पर ढक्कन लगा देना है। चलो बाकी अब रखते हैं हम लोग तब तक चावल। अब दोपहर के टाइम पे किचन में ना बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, आजकल गर्मियों के टाइम पे तो होता ही है भाई ऐसे। बाकी मौसम देखो आप, ऊपर से बारिश आ रही है, नीचे साइड मौसम थोड़ा बहुत सही लग रहा है और नीचे साइड ना थोड़ा धूप की चमक लगी हुई है यहाँ गांव साइड। और देखिए जी, अभी भी रूबी ने यहाँ पे मस्त से आग जला रखी है। उबला वो कितना टाइम बचा है अभी? अभी 10-15 मिनट और हैं। ठीक है जी, माँ भी जंगल से आई और ये मिर्च लेके आई है, हरी मिर्च। अब ये देखो कितनी बड़ी बड़ी मिर्च है भाई, ये देखो अभी ये उतनी ज़्यादा तीखी नहीं हुई हैं क्योंकि अभी ये स्टार्टिंग ये लगना शुरू हो रहे हैं, बट इतनी ज़्यादा तीखी नहीं है लेकिन थोड़ा बहुत तीखी है, मतलब खाने में तो आराम से खाई जा सकती है। और आजकल तो हरी मिर्च का टाइम है तो हरी मिर्च, हरा साग और चावल मिल जाए तो उसके मज़े ही कुछ अलग होते हैं। और ये देखिए जी, कुछ इस तरीके से ना इसको बारीक बारीक करना है ताकि वो पानी के साथ अच्छे ढंग से और ज़्यादा बारीक हो जाए। और यहाँ गैस में देखो तब तक चावल भी रख दिए हम लोगों ने, तो ये भी बस होने वाले हैं, एक सीटी लग गई है, एक और लगना बाकी है कुछ देर में। अपना देखो यहाँ पर जो ये पत्तियाँ हैं ये भी अच्छे ढंग से बॉईल होती हैं, ये अच्छे ढंग से इसके बाद बेसन का पेस्ट बनाते हैं। तो चलिए भाई, अच्छे ढंग से यहाँ पर प्रेशर ने भी सीटी मार दी है। बाकी तब तक अपना साग भी देखो यहाँ पर ये उबल गया है, मतलब जो पत्तियां हैं वो अच्छे ढंग से उबल गई हैं। रूबी यहाँ पर तैयारी कर रही है पेस्ट बनाने की, और ये देखिए जी, रूबी ने बेसन का पेस्ट बनाना शुरू भी कर दिया है। बाकी जितने भी घर के मसाले हैं ना, और मसाले वो इसी में मिलाए जाते हैं, इसी बेसन के पेस्ट में। ये देखिए जी, अपना पेस्ट रेडी हो गया है। बाकी यहाँ पर भी देखो जो ऊपर में ये पत्तियाँ हैं ये भी अब उबलना शुरू कर रही हैं, पेस्ट है उसको मिलाते हैं हरे साग में। ये देखो तो चलिए भाई, अभी देखो यहाँ पर अच्छे ढंग से जो साग है वो उबलता है, तब तक मैं ककड़ी लेके आता हूँ कि इस सीज़न की वो पहली ककड़ी है तो इसलिए मस्त से रायता बनाते हैं आज। चलो तो ये देखिए जी, इस जगह पर लगी हुई है, बाकी इसको निकालते हैं मोड़ मोड़ करके। ये देखो भाई, वाह, अब इस नई नई ककड़ी के मजे ही कुछ अलग हैं। अब इसको ना अच्छे रंग से हम लोग रायता बनाते हैं, अब इस सीजन की पहली ककड़ी है ये पहली। चलिए जी, हम लोगों ने यहाँ पर साग हो गया और भात बना दिया है, बाकी माँ की बारी यहाँ पर रायता बनाने की। और ये देखिए भाई, इस साल की पहली ककड़ी है तो इसलिए जो ये एक डॉली है ये देते हैं चाचा लोगों को। और ककड़ी की खुशबू इतनी गजब की होती है ना, नई नई ककड़ी है इस साल की, वाह मजा आ जाती है भाई। अब इस ककड़ी से रायता बनाते हैं अच्छा वाला। साथ ही साथ यहाँ पर देखिए भाई, अपना जो साग है वो भी उबल के रेडी होने वाला है। ये देखिए, अब साल की पहली ककड़ी है तो इसलिए पता क्या करते हैं, जो इसका बीज रहता है इसको माथे पर लगाते हैं। ये देखो, और ये देखिए जी, मजेदार। गजब मजा आ गया। अब बारी है भाई यहाँ पे जो ये ककड़ी है इसको कद्दूकस करने की। अब रायते के लिए जरूरी है भाई घर का नमक पीसना, बिना घर के नमक के तो मज़ा नहीं आती है। तो ये घर की मिर्चें हैं और इसमें लहसुन है, साथ में वहाँ पर पुदीना है, तो इस चीज़ का नमक पीसते हैं, और साथ ही साथ वहाँ पर धनिया पाउडर है। तो चलो भाई, अब ये अच्छे ढंग से पीसेगा। तो भाई अपना साग बन के रेडी हो गया है, बाकी अब इसको नीचे पर निकालते हैं।
ये देखिए जी, और साथ ही साथ यहाँ पे रूबी ने देखो जो नमक है वो भी पीस दिया है, अब उसको भी इसमें मिलाते हैं रायते में। हाँ हाँ जी, अपना रायता भी बनके रेडी हो गया है, बाकी साग है, चावल है, और साथ ही साथ देखिए जी ये हरी मिर्च है। तो चलो अब खाना रखते हैं। सबसे पहले देखिए जी अग्नि भगवान को चढ़ाते हैं। देखिए जी, और साथ ही साथ इसमें हरी मिर्च लो गई। तो चलिए जी अब मस्त से खाना खाते हैं और पहले पहले ककड़ी के रायते का भी मजा लेते हैं। चलो चलिए जी, इस खान पान वाले एपिसोड को भी यहीं पर क्लोज करते हैं। बाकी अगर आप लोगों ने हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया है तो इंस्टाग्राम का लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन में है, और साथ ही साथ इंस्टाग्राम हैंडल आपको इस जगह पे दिखाई दे रहा होगा। तो चलिए जी, इस वीडियो को भी बस यहीं पर क्लोज करते हैं। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आएगी। वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक जरूर करें, और अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो मिलते हैं आपको अगली किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और अपना ध्यान रखिए। बाय बाय।